नमस्कार जैन, कैसे आप लोग गाइस? ऐसा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मुझे भी होंगे। स्वागत है फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं लेकर आई हूँ वर्ल्ड कप मैच नंबर 31, जिसमें हम बात करेंगे नेपाल वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच के प्रेडिक्शन के बारे में। इस समय T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, जहाँ पर 20 टीमें एक ट्रॉफी के लिए एक दूसरे से भिड़ रही हैं। तो चलिए बात करते हैं टूर्नामेंट के 31 के मैच की, जिसमें एक तरफ है नेपाल तो दूसरी तरफ है साउथ अफ्रीका। दोनों पहली बार क्रिकेट से आमने सामने होंगी और साउथ अफ्रीका पहले ही सुपर 8 में जा चुकी हैं, तो नेपाल के चांस बहुत ही कम है क्वालिफाई करने का। तो ये दोनों टीम 15 जून को किंगस्टोन के अराउंड वेले ग्राउंड में आमने सामने होंगी। वेदर रिपोर्ट की बात करें तो किंगस्टोन में मौसम का अनुमान है कि मौसम क्लियर रहेगा, मैच के दिन आसमान साफ रहेगा। रेन चांसेस है 25%, ह्यूमिडिटी 67% रहेगी और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बात करें पिच एनालिसिस की, तो यहाँ की पिच T20 बैटर्स के लिए टफ है और इनके अलावा शुरुआती टीम्स मूवमेंट स्विंग बॉलर्स की मदद करेंगी। पिच बैटर्स के लिए यह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं हो सकती है, लेकिन पिच खासतौर पर फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत अच्छी होंगी। पिच रिपोर्ट की बात करें तो विनिंग परसेंटेज का प्रेडिक्शन कहता है कि फर्स्ट बैटिंग का विनिंग परसेंटेज है 50% और फर्स्ट बॉलिंग का भी विनिंग परसेंटेज है 50%। एवरेज स्कोर की तरफ देखा जाए तो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है 143 और सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर है 141। बात करें गाइस टॉस रिपोर्ट की, तो अब तक यहाँ पर खेले गए दो मैचों में चेस करने वाली टीम ने मैच जीता है और एक मैच में पहले बैटिंग करने वाली टीम। तो पिच धीमी और स्लो होने की उम्मीद है, इसलिए यहाँ पर टॉस जीतने वाली टीम इस मैच में पहले फील्डिंग करना पसंद करती हैं। साउथ अफ्रीका शॉट एनालिसिस की बात करें तो इस टीम की स्कोर को देखें तो साउथ अफ्रीका इस वक्त बहुत मजबूत नज़र आ रही है। टीम ने अपने ग्रुप के 3 लगातार मैच जीत कर सुपर 8 में ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर ही लिया है और टीम की सबसे बड़ी ताकत उसकी बैटिंग ही है। और लेकिन अब तक तीनों मैच में टीम ज़्यादा रन नहीं बना पा रही है। ले मिलर और क्लासिन को छोड़कर सभी बैटर्स फ्लॉप चल रहे हैं और लीजा हेनरिक्स और क्विंटन डी कॉक ओपनिंग करते हुए दिख सकते हैं। मिडिल ऑर्डर में हेनरिक्स, क्लेसन एंड कैप्टन एडिन मार्करम टीम की सबसे बड़ी ताकत हैं और क्लेसन इस वक्त वर्ल्ड के सबसे बेस्ट फिनिशर में से एक हैं। और लोअर ऑर्डर में ट्रिस्टन स्टब्स एंड डेविड मिलर एंड हार्ड हिटिंग एबिलिटी रखते हैं और टीम की बॉलिंग मजबूत है। लास्ट गेम में बॉलर्स ने ही टीम को मैच जिताया था और जब टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ बस 4 रन से जीत दर्ज की थी। कगिसो रबाडा एंड एंड्रिक्स नॉटिस ने 2-2 विकेट लिए थे और मार्को जॉनसन एंड ऑटेनल बैटमैन की लाइन लेंथ बैटर्स को चमका दे सकती हैं। और स्पिन डिपार्टमेंट में बात करें तो केशव महाराज ने लास्ट मैच में 3 विकेट झटकते थे। और साउथ अफ्रीका प्लेइंग आर्डर की बात करें तो क्विंटन डी कॉक और रीस हेनरिक्स, एडिन मार्करम, हेनरिक्स क्लेसन, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को जॉनसन और गेल कोइटीजी, हेनरिक्स नॉर्टिजी, केशव महाराज, कगिसो रबाडा की प्लेयर्स की बात करें तो हेनरिक्स क्लेसन और क्विंटन डी कॉक, मार्को जॉनसन। नेपाल शॉट एनालिसिस की बात करें तो नेपाल ने नीदरलैंड के खिलाफ हार से टूर्नामेंट का स्टार्ट किया था, लेकिन टीम की पहले बैटिंग करते हुए 106 पर ऑल आउट हो गई थी और टीम का अगला मैच श्रीलंका के खिलाफ बारिश के चलते कैंसिल हो गया। अब टीम को एक और हार टूर्नामेंट से बाहर कर देती हैं और टीम इंटरनेशनल लेवल पर कुछ इम्पैक्ट डालना पहुँचाएंगी। और ओपनिंग में कुशल बुटेस एंड हाशिफ शेख से बेहतरीन बैटिंग की उम्मीद होगी। नंबर 3 पर अनिल शाह खेल रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में कुशल मल्ला और रोहित पौडेल और संदीप ज्वारा इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं और सोमपाल कमी और गुलशन झा लोअर ऑर्डर में अच्छा परफॉर्म करना चाहेंगी। और पहले मैच में खराब प्रदर्शन के बाद अटैक के प्रेशर में होगा और करण किसी और सोमपाल कामी और कामी मेन बॉलर्स में से एक हैं। उन्हें इस मैच में न्यू बॉल से विकेट निकालना होगा और सागर ढक्काल और संदीप जोरा को बीच के ओवरों में ब्रेक थ्रू दिलाना होगा और ललित राजवंशी और अविनाश बोहरा इस पिच में इफेक्टिव हो सकते हैं। नेपाल प्लेइंग आर्डर की बात करें तो कुशल बॉटेल, आसिफ शेख, अनिल शाह, कुशल और महला, रोहित पौडेल, संदीप जोरा और गुलशन झा, सोमपाल कमी और करण केसी, सागर ढकल और अविनाश बोहर की प्लेयर्स की बात करें तो रोहित पौडेल और संदीप जोरा और गुलशन झा। ड्रीम प्लेइंग 11 फैंटेसी टीम की बात करें तो विकेट कीपर में है हेनरिक्स क्लेसन जो कि कैप्टन है और बैटर्स में शामिल है डेविड मिलर, एडन मार्करम और रोहित पौडेल, अनिल शाह।
बॉलर्स में शामिल है केसा महाराज, मार्को जनसोइन और कगिसो रवाडा संपाल कमी, और लंदन में शामिल है संदीप जोरा और गुलशन झा। प्रोडक्शन की बात करें गाइस तो साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप में डेप्थ है और प्लेयर्स कंडीशन को अच्छी तरह से जानते हैं। नेपाल शायद ही इस मैच में कुछ कम कर सकती हैं। अगर दोनों टीम की परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों टीम्स की स्क्वाड का स्ट्रेंथ को देखते हुए साउथ अफ्रीका थोड़ा आगे है, जिसको देखते हुए गए मैच का विनर साउथ अफ्रीका हो सकता है गाइस। तो आशा करती हूँ आप लोगों को प्रोडक्शन वीडियो अच्छा लगा। तो ऐसे क्रिकेट से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको मिल जाएंगे मैच से रिलेटेड, मैच प्रोडक्शन, टॉस रिपोर्ट और सब न्यूज़, सारे के सारे न्यूज़ आपको मिल जाएंगे इस चैनल में।